हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, इस महीने आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, किस वाइब्स में आप रहेंगे और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस महीने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु। लिब्रा तुला राशि, फिफ्थ चक्र आर्च एंजल गैब्रियल, जून 2023, लिब्रा तुला राशि। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेस। Oh, death and rebirth. Authority. Possibilities. Pride. I love myself and I see myself in everyone. Wow. Okay. Creation. Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. फर्स्ट कार्ड है आपका एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। यहां पर भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक प्राइड की एनर्जीज है। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स। Queen of Cups, okay, ये कार्ड आ गया। Three of Swords, देखिए पहले यही कार्ड आना था, okay, तभी ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं।
एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, माई डियर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेजेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, वाओ, डेविल, जस्टिस, ब्यूटिफुल, ओके माई डियर लिब्रास, ये जो जून मंथ है आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल रहने वाला है. आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही हैं, अपनी पावर में वापस आप आ रहे हो, ढेर सारी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है. आप सेफ हो, सिक्योर हो, गार्डेड हो. डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं. आई थिंक ये मैसेज मैंने पहले भी आपको दिया था, तो वही एक मैसेज आपको मिल रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है ना, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं. आप एक्चुअल में जो यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, इन केस आपको कोई अगर हर्ट करना चाहेगा, आपको अगर कोई दुखी करना चाहेगा, आपको कोई परेशान करना चाहेगा, उसको उसका कर्मा यही मिलेगा. आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है. आपको किसी तरह का कोई हार्म नहीं होने वाला है, ठीक है. आप चीज़ों को बहुत हायर लेवल से देख रहे हो. आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पॉजिटिविटी को कोई लो नहीं कर सकता है, ठीक है. आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं. लेकिन ये जो लोगों की इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं, जिन लोगों की इंटेंशंस आपको लेकर के प्योर नहीं हैं, गुड नहीं हैं, उनको उनका कर्मा डेफिनेटली देखना पड़ेगा. ये ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि जिस एनर्जीज में या फिर जिन सिचुएशंस में वो आपको डालना चाहते हैं, घूम फिर करके वो खुद उस सिचुएशंस में फंस जाएंगे. समझ रहे हैं आप, जिस गड्ढे में वो आपको गिरना चाहते हैं, जो जाल उन्होंने आपके लिए बुना, वो उस गड्ढे में खुद वो गिर जाएंगे, ठीक है. अगर उनकी इंटेंशंस ये रहेंगी कि वो आपको किसी तरीके से हर्ट कर पाएँ, डीमोटिवेट कर पाएँ, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर पाएँ, उनका कॉन्फिडेंस लो होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे. समझ रहे हैं आप, मतलब इस तरह की एनर्जीज है. कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ऊर्जा है आपके साथ, कोई ना कोई शक्ति है, प्योर एनर्जीज, वाइट एनर्जी है कोई आपके लिए जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है. वो आपको किसी भी ऐसे सिचुएशन या पर्सन को आपको टच भी नहीं करने देंगी. ये वैसे एनर्जीज हैं और वो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे माँ शक्ति से कनेक्टेड हैं, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं नहीं एक एरिया में फिक्स करूँगी, रिलीजन में मैं नहीं टैप इन करना चाहती हूँ. जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिन भी एनर्जीज ऊर्जाज में आप बिलीव करते हैं, बेसिकली वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं. लेकिन यस, जो लोग स्पेसिफिकली माँ दुर्गा, माँ शक्ति पर विश्वास रखते हैं, यहाँ पर उनकी प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है विद दिस लाइन. या वाओ, ये मंथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल वेरी 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 हाई, वेरी हाई. मतलब आपके अंदर वो चेंज लोगों को दिखेगा, आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस लोगों को दिखेगा. और एक होता है ना कि लोग अपनी लाइनें जो हैं वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइन को आपको लेकर के क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कि वो एक एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है, वो आपके आसपास है, जो आपके थ्रू झलकेगी इस महीने में, ठीक है. जिस जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना आपके साथ है, जो वो आपकी ही ऑरा से झलकने वाली हैं औरों को, ठीक है. तो वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे, उन्हें पता होगा कि ये हमारी लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है. तो ये वैसी एनर्जीज है. और जो बहुत ही डिविल काइंड ऑफ लोग हैं, सिचुएशंस हैं, वो जो हैं डेफिनेटली वो बहुत हर्ट होने वाले हैं, जो कि उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं हैं. अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हर्ट उनको ही होगा इस महीने. चलिए बात कर लेते हैं आपकी. यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना लिब्रास, जून मंथ आप किसी ना किसी चीज़ से फ्री हो रहे हो. टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है. जिस चीज़ का वेट आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, कुछ ना कुछ एक बैगेज, कुछ ना कुछ एक बोझ,
कुछ ना कुछ प्रेशर आपका रिलीज़ होता हुआ मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है। ये स्पेसिफिकली होता हो सकता है स्टार्टिंग के जो 1 वीक है या 10 डेज़ जो रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। 1 वीक कह लीजिए, 10 डेज़ कह लीजिए, कुछ ना कुछ है किसी ना किसी तरह की बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह सकते हैं, बर्डन कह सकते हैं। कहने का मतलब जिस भी चीज़ में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, स्टेगनेंट थे या फिर अटका हुआ फील कर रहे थे ना, आपकी इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे थे, तो वो फ्रीडम आपकी तरफ आ रही है। वो एक वो एक खुलापन आपके लिए आ रहा है। ये वो एनर्जी है कि आप जैसे खुल करके सांस ले पा रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। इसके आगे की एनर्जीज़ की जो मैं बात करूँ, क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आप अपनी इंट्यूशन, आप अपने मेडिटेशंस कह लीजिए, अपने सेंसेस कह लीजिए, आप उनसे दोबारा से रीकनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मे बी आप पिछले कुछ समय से कुछ स्ट्रेस्ड थे या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से बेसिकली गुजर रहे थे। बहुत ही एक वॉर्ट काइंड ऑफ एनर्जीज थी, आपकी एनर्जीज बहुत लो रही हैं पिछले कुछ दिनों में, या रिसेंट पास्ट की हम बात करें तो आपकी एनर्जीज कुछ लो थी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे या नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आप अपनी पावर में दोबारा से आ रहे हैं। ये चीज़ें होनी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, तो अब आप दोबारा से अपनी पावर में लौट रहे हो। अब आप दोबारा से एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हो, अपने सेंसेस को फील कर पा रहे हो, डिवाइन से वो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मैसेजेस आप रिसीव कर पा रहे हो और अपने हार्ट को बेसिकली फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, कुछ ना कुछ जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते थे ना, जिस चीज़ को लेकर के भी आप बहुत अपने दिल से कनेक्टेड थे, वो चीज़, वो एक ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है या वो चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सिचुएशन, ये चीज़ हर सबके लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए करियर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब स्पेसिफिकली या कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। तो वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आपका दिल यहाँ पर खुल रहा है, आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो। बहुत ही क्रिएटिव काइंड ऑफ एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब आप अपने दिल को स्टॉप नहीं कर रहे हो, अब आप अपने दिल को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप खुल करके ज़िंदगी को जी रहे हो और जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। ये महीना आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे और आप बहुत कनेक्टेड रहेंगे अपने सेंसेस से, अपने इंट्यूशन से, ठीक है। यस, वही आपको आगे के लिए गाइड करेगी। आपकी इंट्यूशन, आपके सेंसेस, आपके जो एनर्जीज हैं वो आपको गाइड करने वाली हैं। और यहाँ पर भी मुझे जो एनर्जी दिख रही है, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप जैसे कि पूरी प्रोटेक्टेड हैं और आपका जो, अगर आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल पीछे दिख रहा हो, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही हैं, ठीक है। आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। डिवाइन एनर्जी से आपका कनेक्शन भी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है और आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत हाई हो रही हैं। बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल एनर्जीज की, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं या हो सकते हैं इस वक्त में, जो आपको हर्ट करे बेसिकली, जिनकी इंटेंशंस बहुत बुरी हैं, जिनकी इंटेंशंस आपको कंट्रोल करने की है, जिनकी इंटेंशंस आपको डीमोटिवेट करने की है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप उस सिचुएशन को हील करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो। ये कुछ आपके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अभी ये रिलेशनशिप कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ये कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो बेसिकली उस रिलेशनशिप से आप मुक्त होते हुए, उसकी हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन जो पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे आपकी लाइफ में, ठीक है, उनको उनका कर्मा बैक यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, विद द जस्टिस कार्ड। तो अंत में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस महीने के अंत में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो जस्टिस होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा इस महीने मेडिटेटिव मोड में बहुत रहने वाले हो, अपना ध्यान रखने वाले हो, अपनी हीलिंग्स हो गई, जो भी ये जो हम स्पिरिचुअल टास्क करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत रहने वाला है। बहुत रेस्टफुल एनर्जीज है, जैसे कि बहुत इंसान थक करके आता है ना
आपकी दोबारा से अपनी एनर्जी से रिकनेक्ट होने के लिए वो समय लेता है, तो ये वही एनर्जीज आ रही हैं। तो वो जो आप कर रहे हो, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो नेचर से कनेक्ट होना हो, चाहे वो ग्राउंडिंग करना हो, चाहे वो कुछ समय के लिए आप कहीं जा रहे हो, शॉर्ट ट्रिप आप बना रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए, कहने का मतलब वो फुलफिल होने वाला है, उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इस महीने मिलेंगे, ब्यूटीफुल। यस, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। प्रोटेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस कार्ड में भी और इस कार्ड में भी प्रोटेक्शन बहुत है, एक सर्कल है, प्रोटेक्टेड हो आप बेसिकली आप वही उसी पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हो जैसे आपकी डिवाइन टीम चाहती है, आप उससे हट कर के ना ज़रा सा भी कुछ कर नहीं सकते इस महीने। यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, मतलब उसी दायरे में रह करके, मैं ये वो कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज में नहीं कह रही हूँ कि आप कंट्रोल हो रहे हो, डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज हैं वो आपको कंट्रोल नहीं करती, लेकिन यस, कहने का मतलब कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही है कि आप कुछ गलती कर बैठे और आपके ऊपर वो बैकफायर हो जाए, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत प्रोटेक्टेड वे में आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी प्रोटेक्शन आपको इस महीने मिल रही है। यस, इसीलिए आपके लिए ना ये मैसेज भी आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो जो भी स्थिति, क्योंकि आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हो इस महीने, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपको फील होगा, वो प्रेजेंस भी आपको फील होगी, वो एनर्जीज भी आपको इस महीने फील होने वाली है। तो अपने रास्ते में बिल्कुल भी अहंकार को, प्राइड को नेगेटिव सेंस में नहीं लेकर के आना है, ऐसी ऊर्जाओं से बच कर के रहना है। डेफिनेटली ऐसी ऊर्जाएं, मैं ऑलवेज आपको यही मैसेज देती हूँ, लिब्रास की रीडिंग में भी यह ज़्यादातर आता है कि जब भी आप पॉजिटिविटी की तरफ, लाइट की तरफ आगे ग्रो कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर नेगेटिविटी आती है, हम वो अटैक करती है कि हम आगे ना बढ़ पाए, हमारी लाइट ना बढ़ पाए, राइट। तो उस नेगेटिविटी के कंट्रोल में आपको नहीं आना है, वो जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच, नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, वो ही होते हैं हमारे, जो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि ईगो होना, प्राइड होना, ठीक है, किसी को कंट्रोल करने की बात करना, या फिर मतलब कुछ भी अपने आप को सबसे ऊपर समझना, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। मतलब जितनी भी नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ में होंगे वो उस नेगेटिव ऊर्जा से कनेक्टेड होंगे, तो जब भी हम लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो ऊर्जा हम पर अटैक डेफिनेटली करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ग्राउंडेड रहना है, बैलेंस्ड रहना है, इसलिए यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जीज है, क्योंकि जैसा आप रिएक्ट करोगे फिर आपको रिवॉर्ड भी, क्योंकि अंत में जहाँ जस्टिस, जैसे हमारे लिए मैजिशियन का कार्ड होता है वैसे ही जस्टिस का कार्ड होता है, वो जस्टिस दिखाता है, जस्टिस माने जैसा आप कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही प्राप्ति हो रही है, आप उसको इनजस्टिस नहीं बोल सकते। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब आपने कुछ किया था, उसका रिवॉर्ड आपको, उसका ही असर आपको मिल रहा है बैक, ठीक है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो इट मींस आपने सही से काम करा, राइट। तो ये जस्टिस का कार्ड भी वही कह रहा है, और इस डेक में जस्टिस कार्ड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर अगर हैप्पी फेस है तो यहाँ पर शेडो भी है उसकी, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज इस महीने की है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लिब्रास, द वेटिंग गेम, ओके, सैक्रिफाइस, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली मैं इसी की बात कर रही हूँ। देखिए अगेन यहाँ पर प्रोटेक्शन है, अगेन यहाँ पर आपके लिए तो लिखा ही हुआ है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो प्रोटेक्शन बहुत सारी है, कहने का मतलब आप गाइडेड हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना आपको बिल्कुल सही दिशा में लेकर जाया जा रहा है। अगर कुछ आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर खिचड़ी बन रही है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की भी एनर्जीज है कि कुछ चीज़ें उथल पुथल मची हुई है आपकी लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ मोड़ ले रही हैं, मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, राइट। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है जो चीज़ें, जो सिचुएशंस, जो पीपल,
आपकी लाइफ से, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, उनको इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। तो बेसिकली आप राइट ट्रैक पर ही हो, आप अपने आप को ये मत फील करवाओ कि आप कहीं रॉन्ग दिशा में बढ़ रहे हो या किसी रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ आगे जाते जा रहे हो या बैक आ रहे हो। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आपको बोला जा रहा है यहाँ पॉजिटिव रहो, कुछ ना कुछ है आपके रूट से, जो आपकी जड़ों से है, जो आपके बहुत पुराने पैटर्न हो सकते हैं या फिर ये कुछ कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकते हैं जिन्हें आप इस महीने ब्रेक कर सकते हो या जिनकी हीलिंग यहाँ पर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ। कुछ ना कुछ है यहाँ पर वो पैटर्न, वो सिचुएशन कुछ हील होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास सेक्रीफाइस का कार्ड है, जो कि क्या बताता है कि डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, पीस चाहते हो, तो कुछ चीज़ों को लेकर के आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस माने यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुझे रिलेट कर पा रहा है डेविल की एनर्जी एंड यहाँ पे ये बेसिकली हैंग्ड मैन की ऊर्जा है। 13 नंबर का कार्ड है ये। तो यहाँ पर जो आपको मैसेज बताया जा रहा है, सॉरी 12 नंबर का कार्ड है ये, कि आपकी ग्रोथ के लिए जो नेगेटिव आदतें हैं आपकी या जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं या जो नेगेटिव लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, वो आपके लाइफ से रिलीज होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट ना कर पाए, ब्लॉकेज ना बने और आप खुल करके आगे ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से आपको उसके लिए ओपन रहना है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, जो इस महीने कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, एक बात आप ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है लिब्रास, जो इस महीने कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको लोगों की हर्ट कर रही हैं और आपको उन्हें हील कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो इस महीने, वो पर्पसली हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग, वो सिचुएशंस, वो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं थी। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए उनकी कोई आदत हो सकती है, ठीक है, कोई उनका ऐसा पैटर्न हो सकता है जो हेल्दी नहीं है बेसिकली, और वो आपको खुद को भी पता है कि ये पैटर्न मेरा हेल्दी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस पैटर्न से बाहर नहीं आ रहा, इस आदत से बाहर नहीं आ पा रहा, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा स्टफ्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है उस चीज़ की। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये ट्री यहाँ पर देख रहे हो, उसके रूट्स भी मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। तो आई एम सॉरी, आपको कार्ड नहीं दिखा होगा, तो यहाँ पे रूट्स भी उसके यहाँ पर फील हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब, वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत गहराई तक, जड़ों तक वो चिपकी हुई हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो उस चीज़ से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस पर काम कीजिए, ठीक है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है इस महीने। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं इस महीने और आपको भी उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है, ऐसा पैटर्न है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला ना, अंत में आपको वही प्राप्त होगा विद द जस्टिस एनर्जीज। जैसा आप कर्म करने वाले हो, जैसे आप एक्शंस लेने वाले हो, जैसे आप हीलिंग करने वाले हो या जैसे आप सिचुएशंस को डील करने वाले हो, राइट? तो यहाँ पर वही आपको भी मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये चीज़ें कितनी गहराई तक आपको जकड़े हुए हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, आदतें, जो भी है। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है, आप खुद चाहते हो उससे बाहर आना, बट कहीं ना कहीं आप नहीं आ पा रहे हो। लेकिन ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसमें बहुत एक बेचारे हो या आप नहीं आ पा रहे हो। डेविल की एनर्जी यही कहती है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आप उससे बाहर आ सकते हो अगर आप चाहो तो। वो पावर आपके पास ही है और इस सिचुएशन से, इस हैबिट से या इस सिचुएशन, इस जो भी चीज़ है ये, इससे बाहर आप सिर्फ आप है जो खुद आ सकते हैं, आपको कोई खींच करके नहीं ला सकता है, राइट? और इन केस अगर इस महीने, खासकर इस महीने के 15 के बाद अगर ये चीज़ें ज़्यादा उभरती हैं, तो डिवाइन का सीधा इशारा है आप पर कि इस सिचुएशन को हील करो, इस सिचुएशन से बाहर आओ, खुद निकलो इस सिचुएशन से बाहर। ठीक है, जकड़ के मत रहो। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों के लिए आपको ऐसा यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वेटिंग गेम की एनर्जीज है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हो। मे बी आपके पास कुछ चॉइसेस हों, आप वेट करते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हैं, कुछ चॉइसेस हो सकते हैं आपके लिए। ओके,
तो अगर आप कुछ चॉइसेस बनाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो विद दी फोर ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस की एनर्जीज, आपको यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई टू चॉइसेस हैं, कुछ दो ऑप्शंस हैं, किन्हीं दो किन्हीं ऐसे आप पाथ पर स्टक हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर मैं आगे बढ़ूँ, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किस चीज़ को मुझे चुनना चाहिए, तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, माय डियर मेडिटेट करो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं आपको लेना है, मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो, चीज़ों को समझो, डिवाइन से गाइडेंस मांगो, डेफिनेटली वो आपको गाइडेंस मिलेगी, देन आपको वो आपको डिसीजन लेना है, किसी तरह की हरी में, किसी तरह की भी जल्दबाजी में आपको वो डिसीज़न नहीं लेना है। जितना आप सोच समझ करके मेडिटेट करके, ठीक है, मेडिटेशन के बाद आप वो डिसीज़न लेते हैं, वो उतना ही बैलेंस डिसीज़न होगा और सही डिसीज़न होगा आपकी लाइफ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब इस डिसीज़न को लेने के लिए आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो पेशेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है आपके लिए। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर, तो माय डियर अवेयरनेस, ये मैजिशियन का कार्ड है जो कि क्या कहता है, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी, आपके फ्यूचर को क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या सा कैसा फील कर रहे हो, कैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब आपके दिमाग में चल रहा है, तो उसके लिए अवेयर हो जाओ कि आप इस समय क्या सोच रहे हो। हो सकता है आपको 111, 111, 555 और 1221, 1212 आपको बहुत यहाँ पर दिखाई देता हो, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, 333 आपको दिखाई दे सकता है, 222 आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, 444 आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको अपने माइंडसेट पर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप कैसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। पहला मैसेज तो डिवाइन का ये होता है जब आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं कि वो आपको अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, कि वो आपके साथ हैं, आप हर वक्त आपके साथ हैं, वो बिलीव आपको करना है, आपको देखना है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हो, आप उनको लाइटली ले रहे हो या फिर वाकई में आप उस पर बिलीव कर रहे हो। ठीक है, तो उनका पहला मैसेज तो वो दिखाने का यही होता है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऑलवेज आपके साथ हैं। दूसरा, जब भी आप सिंक्रोनिसिटीज को देखें, अपने थॉट्स को देखें, आप क्या सोच रहे हो, क्या आप नेगेटिव सोच रहे हो या आप जो भी कर्म कर रहे हो उस वक्त, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आपको आपके आपकी इंटेंशंस जो है वो इंटेंशंस नहीं कहूंगी, आपकी या आपका जो है सारा फोकस वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि सही डायरेक्शन में आ जाओ, जो तुम इस समय कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, तुम्हें सही पाथ पर आना है, तुम्हें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। यस, यहाँ पर भी ये टाइम के बारे में ही बता रहा है, वेटिंग गेम का जो मैसेज है यहाँ पर, कि अपने टाइम को सही से यूज़ करना, प्रोडक्टिवनेस की एनर्जीज में आना, प्रोडक्टिव होना। तो कहने का मतलब अपने टाइम को वेस्ट मत करो, और अगर आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो, इट मीन्स, और अब तब आपको अगर सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रही हैं तो इट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट, कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हो और आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, और उस पाथ को लेकर के, उस कर्म, उस काम को लेकर के आपको डाउट्स में नहीं आना है, आप बिल्कुल सही बढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब आपके पास वो पावर है, आप जो सोचोगे उसे मैनिफेस्ट करने की पावर आपके पास है। ठीक है, तो अवेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए, आपको यहाँ पर यही मैसेज है। वाओ, द ड्रीम्स, फ्रेंडलीनेस, ब्यूटिफुल, ओके, कंप्लीशन। ये जो मैसेज है ना, ये तीनों कार्ड्स मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर इन केस, अभी ये सब पर अप्लाई नहीं होगा, अभी सब मत करिएगा कि हमारे साथ मैच हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है मैच हो रहा है, लेकिन गाइज ये ना जर्नल रीडिंग है, राइट, तो आगे क्या होना है वो डिपेंड करता है कि आपके कर्मास कैसे हैं, या आप क्या कर्म कर रहे हो, या किस तरह से आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, राइट, तो ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज है कि जो आप अगर किसी किसी एक रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में हो और उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, पूरे तरीके से कमिटमेंट चाहते हो, या फिर इवन आप मैरिड भी हो और आप उस रिलेशनशिप में एक
अच्छी ग्रोथ चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर वो चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर लव एरिया को लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसिफिकली आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस महीने, ठीक है। इन केस अगर आप किसी पार्टनर से अपने पार्टनर से कहीं डिस्कनेक्ट हो गए थे या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, तो यहाँ पर मुझे वो कम आपको अनब्लॉक करते हुए, आपको मैसेज करते हुए, आपको कॉल करते हुए, बेसिकली आपको सरप्राइज़ देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही अजीब सा मैसेज है हालांकि बहुत से टैरो रीडर्स ये मैसेज देते नहीं हैं, लेकिन जो मेरे मुझे जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देखिए। जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे ना, कि जो आपका रिलेशन नहीं था, आई मीन वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, या मैं कहूँगी कि वो आपके सॉलमेट कनेक्शन नहीं थे, ठीक है, तो इस महीने आपको उनके किसी और के साथ जुड़ने की, मैरिज की, कमिटमेंट की आपको मैसेज मिल सकता है इस महीने। बहुत ही यूनिक मैसेज था ये, ठीक है। तो ये आपको पता चल सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे थे या जिनसे आपको हर्ट मिला या जिनसे आपको कमिटमेंट नहीं मिली, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है और उनको कमिटमेंट दे रहे हैं, या उनके साथ मैरिज फिक्स हो रही है उनकी, या फिर समथिंग, मतलब कुछ भी, ठीक है, ऐसा आपको मैसेज मिल सकता है और आप हर्ट हो सकते हो बेसिकली। तो कहने का मतलब ये जो भी मैसेज था ना, ये आ वही रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है। अगर अब आप इस मैसेज से समझ जाइए लिब्रास, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, और वो इस महीने पीक पॉइंट पर आएंगी, उनके आपको फेसेस दिखेंगे, वो उभर करके सामने आ सकती हैं इस महीने। तो कहने का मतलब उन्हें रिलीज़ करने का वक्त आ गया, उस सिचुएशन से बाहर आने का वक्त आ गया, कम्प्लीशन का वक्त आ गया। ये कार्ड कम्प्लीशन का है कि बस दैट्स इट, फाइनल हो गया, अब इस कड़ी को जोड़ दो और कम्प्लीशन दो और आगे बढ़ो, एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करो, राइट। तो ये वही मैसेज है। और जो लोग एक बहुत अच्छे बॉन्ड में है, माय डियर, यहाँ पे कम्प्लीशन मुझे आपके बॉन्ड का दिख रहा है। बेसिकली आप एक सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। आपको फोकस किस पर करने की ज़रूरत है लिब्राज इस मंथ? ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। देखिए, ये ब्लेम का कार्ड है। आपको यहाँ पर पता है क्या मैसेज दिया जा रहा है, डिवाइन क्या बोल रहे हैं? देखो, ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो, राइट, एग्जैक्टली। आपको यही फोकस करना है। अभी तक की अगर पूरी रीडिंग अगर आपको समझ में आई है, तो ये कार्ड भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये यही कहना चाह रहा है कि दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। यहाँ ना ये सैक्रिफाइस का जो कार्ड है ना, हालांकि यहाँ पे लिखा सैक्रिफाइस हुआ, ये सैक्रिफाइस तो है कि कुछ चीज़ें को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आपके लिए तो वो सैक्रिफाइस हुआ ना, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है। लेकिन ये 13 नंबर का कार्ड, ये हैंगमैन का कार्ड है कि आप बहुत एक आपका प्रोस्पेक्टिव जो है चीज़ों को लेकर के बदल रहा है, आप एक हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। और ये देख रहे हो ये जैसे कि बहुत एक मजाक वाली चीज़ है, ये ऐसे कर रही है, देख भी नहीं रही है उस तरफ, उस बुराई की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, और पीछे से नमस्ते करके आगे बढ़ रही है कि नमस्ते जी, हम तो चले, लाइक दैट, ठीक है। यही एक एनर्जीज आपके लिए चाहिए, इस ऊर्जा को लेकर के आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओके, हो गया, इतना काफ़ी था, चलो जाओ, ठीक है। अभी वो कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है, और इसमें आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने आपके साथ क्या किया। एक्चुअल में वो चीज़ होनी थी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं थी। अगर हम इस जीवन में इन चीज़ों को सीख गए ना, इस स्पेसिफिकली इस मैसेज को सीख गए कि यस, जो चीज़ें होती हैं वो पर्पसली होती हैं, वो पहले से प्लान्ड होती हैं, हमारा कर्मा अटैच्ड होता है, तो हम कभी किसी को ब्लेम नहीं करें और ना ही कभी किसी को दोष देंगे हम इन चीज़ों को लेकर के कि उसने मेरा ये बिगाड़ दिया या उसने मेरा ये बिगाड़ दिया। असल में दिक्कत क्या होती है कि हमारे ही कर्मा जैसे हुए होते हैं, हमने ही कुछ ऐसा किया होता है जिनका हमको
रिटर्न मिल रहा होता है। अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी लाइफ और भी इजी हो जाएगी और हम गुड कर्मास को ही मैनिफेस्ट करेंगे ना अपनी लाइफ में। वाओ, बॉटम ऑफ द डे, बॉटम कह रही हूँ, लास्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है स्ट्रेंथ। यू आर बींग गाइडेड बाई द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोली है ये बात कि जो आप ना एक लाइन में चल रहे हो, ये है एक रॉ, ठीक है, आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, ठीक है, चाहे आपके साथ जो भी हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, आपको लग रहा हो कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, मैंने इसलिए बोला वो आपको लग सकता है कि बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो एग्जैक्टली है नहीं। तो आप एक रो में, एक लाइन में, एक लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधे चलते जा रहे हो, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप ज़रा सा इधर भी हो जाओ या इधर भी हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, वो आपको होने ही नहीं देंगे, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। अभी वो जो बुरा और अच्छे की बात की जा रही है ना, वो आपके अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, लेकिन चीज़ें जो बुरी है वो भी रिलीज होंगी तो आपको लगेगा बुरा हो रहा है। तो उन चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, आप अपनी आसपास कॉस्मोस, यहाँ पर ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज मुझे मिल रही है, आप कॉस्मोस से कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, ऊर्जा से कनेक्टेड हो, गाइडेड हो, ठीक है, तो अपने अंदर की स्ट्रेंथ से कनेक्टेड रहिए। वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है इस महीने और आप उस एनर्जीज को इस महीने फील कर पाओगे, लिब्रास उस पावर को इस महीने आप फील करने वाले हों। अ पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड, मैंने बोला ना जो भी कुछ हो रहा है लेकिन उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही है और वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इन्जॉय कीजिए इस जर्नी को, ठीक है। यस यस लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको गाइडेंस मिली हो, मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।